गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर साइंस का फिफ्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे वो बन कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनते हैं, उनको कैसे जन्म होता है, ये पढ़ेंगे। प्लांट्स आर अमेजिंग, दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स बट ऑल्सो फ्रॉम रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स। प्लांट्स होते हैं वो अमेजिंग होते हैं, और ये सिर्फ बीजों से ही नहीं बल्कि जड़ों से, इनके तनों से या पत्ती और पत्तियों से भी बढ़ते हैं। लेट अस लर्न हाउ न्यू प्लांट्स ग्रो। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे नए प्लांट्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। सबसे पहले देखेंगे कि बीजों से प्लांट कैसे बढ़ते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, कैसे उगते हैं। इफ़ यू ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज, यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड देम। अगर हम किसी एप्पल या फिर ऑरेंज को खाते हैं तो उसमें हमें बीज मिलता है, बीज दिखाई देते हैं ना, उसमें होते हैं बीज। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स। तो इन बीजों से ही उनके नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनसे नए प्लांट्स उगते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड इज गिवन अलॉन्ग साइड। एक बीन साइड मतलब एक सीड का, बीज का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कैसी संरचना होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो सारा हमें यहाँ पे दे रखा है उसके बारे में। ये यहाँ पे सीड बना के दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड। द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड स्किन और सीड कोट, इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इन साइड द सीड। ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है, बाहरी जो परत होती है, इसे कहते हैं इसकी स्किन या फिर सीड कोट कहा जाता है। और ये बेबी प्लांट जो होता है, इसके अंदर जो प्लांट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। इन साइड द सीड कोट इज द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो विच हैज मैनी पार्ट्स। इनसाइड द सीड कोट, इसके अंदर सीड कोट के अंदर जो होता है वो होता है एम्ब्रियो कहा जाता है इसके, और इसमें मैनी इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग इसके भी। द टू थिक फ्लैसी पार्ट्स आर द कॉटलीडंस। ये जो फ्लैसी इसके एकदम चिकने चिकने पार्ट्स होते हैं वो इनको कहा जाता है कॉटलीडंस और सीड लीव्स कहा जाता है। दे प्रोटेक्ट एंड स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग यंग प्लांट्स। ये क्या करते हैं, इस प्लांट को और बढ़ने के लिए, उसके लिए खाना इकट्ठा करते हैं, उसको बढ़ने के लिए उसके एनर्जी ये सब यहीं पे इकट्ठा करते हैं, और उससे प्लांट को मिलती है, तब प्लांट ग्रो होता है, बढ़ता है आगे। बिटवीन द कॉटलीडंस इज अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल शूट। कॉटलीडंस के बीच में एक स्मॉल रूट होती है, छोटी जड़ होती है, और एक स्मॉल शूट छोटा सा पौधा होता है। जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाई विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। छोटे प्लांट से बड़े प्लांट्स में प्रोड्यूस होना, उसका बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं जर्मिनेशन। नॉट ऑल सीड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो, अगर हम मान लो बहुत सारे प्लांट्स बीज डाल देते हैं तो उनमें से सारे प्लांट्स सारे के सारे थोड़े ना उग जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं उग पाते हैं। सम सीड्स आर ईटन अप बाय द बर्ड्स एंड इंसेक्ट। उनमें से मान लो हमने बहुत सारे प्लांट बीज डाले हैं तो उसमें से कुछ जो होते हैं वो बर्ड्स, कोई चिड़िया वगैरह या फिर कीड़े वगैरह खा जाते हैं। सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय द रेन और द विंड। कुछ जो होते हैं बहुत तेज बारिश आती है या फिर हवा में उड़ जाते हैं तो, या फिर बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाइल सम सीड्स डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको उन्हें उगने के लिए कंडीशन जो चाहिए होते हैं, जितना पानी चाहिए होता है, जितनी भरपूर मात्रा में उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से वो सारे प्लांट्स नहीं उग पाते हैं। ऑल सीड्स नीड एयर वाटर एंड वार्म्थ टू जर्मिनेट इनटू सीडलिंग्स। बीज होते हैं जो, उनको बीज को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, हवा, पानी और गर्मी। इफ़ अ सीड डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ थ्री इट विल नॉट जर्मिनेट। अगर इन तीनों में से उसे एक भी चीज़ नहीं मिलेगी ना, मान लो हवा मिल रही है, गर्मी मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा, तो वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। इसीलिए प्लांट को बढ़ने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। द फॉलोइंग पिक्चर शोज़ द डिफरेंट स्टेज ऑफ द जर्मिनेशन इन बीज सीड। बीज सीड को बढ़ने की जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग वो यहाँ पे दे रखे हैं। पहले वो ऐसा होता है, फिर इस तरीके से, फिर इतना बढ़ता है और बढ़ के फिर ये प्लांट बनता है एक ऐसे। द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इन बीज सीड ये दिए। द सीड गेट्स वाटर एंड वार्म्थ। सीड क्या होती है, उसे वो वाटर लेती है, एयर लेती है, ये सारे उसे मिलते हैं, तब वो बढ़ता है। द सीड सोक्स अप वाटर, सीड कोट ब्रेक्स एंड द रूट इमर्जेस। सीड क्या होता है, बीज क्या होता है, पानी को सोख लेता है, सीड कोट उसे ब्रेक कर देता है, मतलब जो उसके ऊपर एक परत बनी होती है वो उसे तोड़कर रूट उसमें जड़ों तक जाने में उसे हेल्प करता है। द न्यू प्लांट डेवलप्स रूट्स एंड अ सूट। जब न्यू प्लांट बन जाता है, बड़ा
प्लांट जो बढ़ने लगता है तो उसमें रूट के साथ, जड़ों के साथ उसका शूट, ये जो होता है ऊपरी पार्ट से कहते हैं शूट, तो ये भी आने लगता है उसमें। एज अ प्लांट ग्रोज इन साइज इट डेवलप लीव्स, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, यहाँ से जैसे बढ़ गया है ये, तो उसमें पत्तियाँ भी आने लगती हैं, लीव्स भी आने लगती हैं। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, पहले के स्टेजेस में उसमें क्या होता है जर्मिनेशन में, द सीडलिंग्स गेट द फूड रिक्वायर फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कॉटलीडंस। और पहले स्टार्टिंग में क्या होता है वो कॉटलीडंस, बताया था ना कॉटलीडंस ये होता है इसमें बीच के अंदर, तो यहाँ से उसे फूड मिलता है, यहाँ से वो अपने फूड को प्राप्त करता है। आफ्टर द फूड स्टोर्ड इन द कॉटलीडंस हैज बीन यूज अप, और इसमें स्टोर होने के बाद वो क्या करता है अपना फूड प्लांट तक पहुँचाता है, तो जिससे कि वो प्लांट और वो बीज और बढ़ता है। इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द सॉइल, और ये क्या है उसे फिर उसे अपने जो फूड होता है खाना जो होता है उसे मिट्टी से मिलने लग जाता है। द सीडलिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। सीडलिंग्स जो होती हैं वो पानी को, पानी और उसके जो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो जो भी वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, जड़ों से प्राप्त करते हैं। एयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, जो कि जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ऑल्सो रीचेस द सीड थ्रू पोर्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी के जो छिद्र होते हैं मिट्टी के जो खड़ होते हैं उन्हीं में से उसे भी मिट्टी में से ही उसे हवा भी मिलती है। हवा हमने सुना है ना कि मिट्टी में एयर प्रेजेंट होती है, हवा प्रेजेंट होती है, तो उसके छिद्रों में से उसे हवा मिलती है। इट डेवलप्स लीव्स एंड ग्रोज इनटू अ प्लांट, इट डेवलप्स इनटू अ लीव्स, फिर उसके बाद वो पत्तियों में पत्तियां उसमें आने लगती हैं और फिर पत्तियों से वो बढ़ने लगता है, जैसे जैसे एक प्लांट बन जाता है। दिस इज वाई सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, इसीलिए कहते हैं कि सॉइल जो होती है मिट्टी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसे हर चीज़ मिट्टी से ही मिलती है, हवा भी वहीं से मिलती है, पानी हम मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी से ही वो एब्जॉर्व करता है पानी को। वॉट विल हैपन इफ यू सो मैनी सीड्स टू क्लोज टू वन अनदर, क्या होगा अगर हम एक ही साथ बहुत सारे सीड को एक ही जगह पे बहुत सारे बीजों को डाल देंगे। आफ्टर दे जर्मिनेट दे विल नॉट कम्पीट फॉर एयर वाटर लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो, क्या होगा कि वो एक दूसरे को कम्पीट कॉम्पिटिशन हो जाएगा उनमें कि कौन से प्लांट को ज़्यादा हवा या फिर पानी या फिर लाइट कौन से प्लांट को ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए पास पास बीजों को नहीं बोना चाहिए, क्योंकि हर एक प्लांट को अपनी अलग उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है उसके बढ़ने के लिए न्यूट्रिशंस की, तो वो हर एक प्लांट को अलग अलग मिलनी चाहिए। एक ही जगह पर डाल देंगे तो वो बीज कोई सा भी नहीं उग पाएगा फिर। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ देन वो डाई, उससे क्या होगा बहुत सारे प्लांट जो बीज होंगे वो डाई हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, कुछ ही होंगे जो उसमें से उग पाएंगे। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अदर, इसीलिए हमें बीजों को बहुत पास पास नहीं बोलना चाहिए। इन नेचर मैनी प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स, नेचर में ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो अपने बीजों को फैलाते हैं, बीज फैल जाते हैं उनसे और उसी से वो उग जाते हैं। डिस्पैरिजन मीन्स भी यही होता है फैलाना। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पैरिजल, जो मदर प्लांट होता है उसका, जिस प्लांट में से वो बीज उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं उसे मदर प्लांट कहते हैं, और उस फैलने वाले तरीके को जो बीज फैलते हैं उसे कहा जाता है डिस्पैरिजल। सम वेज ऑफ सीड डिस्पैरिजल आर गिवन बिलो, किस किस तरीके से बीज जो है वो फैल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे बिना बोए फैल, एक होता है कि हम बीजों को बोते हैं और दूसरा है कि वो फैल जाते हैं बीज और फैलने के बाद अपने आप को उग जाते हैं। तो सबसे पहला है डिस्पैरिजल बाय विंड, हवा के द्वारा कैसे बीज फैलते हैं। सीड ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर और हेयर ऑन देम, सीड ऑफ सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन बहुत ही हल्के, जो बहुत ही हल्के होते हैं और उनमें विंग्स मतलब एक पंख की तरह होता है उनका स्ट्रक्चर, और उनके ऊपर हेयर होते हैं मतलब बाल की तरह, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है हमें एक ये। दीज सीड्स आर इजिली कैरीड अवे बाय द विंड और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एग्जाम्पल और मैपल एंड डैंडेलियन सीड्स, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है डैंडेलियन सीड्स का एग्जाम्पल, कि हवा में ये उड़ जाते हैं इसके बीज हवा में उड़ जाते हैं और फिर वो अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं और वहीं पे उसका प्लांट ग्रो हो जाता है जहाँ जहाँ पे वो फैलते हैं और जहाँ पे उसे कंडीशन मिल जाती है उगने की पूरी, जितनी उसे रिक्वायरमेंट होती है जो हवा पानी और एनर्जी की जो जरूरत होती है वो मिल जाता है तो वहीं पे वो उग जाता है। डिस्पैरिजल बाय वाटर, वाटर के द्वारा कैसे डिस्पैरिजल होता है। सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज लोटस एंड कोकोनट आर स्पंजी और हैव अ फाइबरस कवरिंग विच हेल्प्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर। प्लांट कुछ प्लांट के जैसे लोटस कमल का
बीज जो होता है और कोकोनट का जो बीज होता है वो स्पंजी होते हैं, मतलब एक उनको दबाओ तो उनमें पानी भर जाता है और वो पानी पे तैरते रहते हैं, उनकी कवरिंग जो होती है फाइबरस होती है, तो वो पानी पे तैरते रहते हैं। वाटर कैरीज अवे कैरीज दिस सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो पानी जो होता है उन्हें बहा कर ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, बहा कर ले जाता है, और जहाँ पे पानी कम होता है वहीं पे, जहाँ पे वो रुक जाते हैं वहीं पे उनका पेड़ उग जाता है। सीड्स ऑफ कोकोनट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये कैसे पानी पे बह रहा है, बहते बहते वो किनारे पे जब पहुंचेगा और उसे वहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी उसको उगने के लिए, तो वहीं पे उसका पेड़ उग जाएगा। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू कैसे फैलते हैं बीज। सम सीड्स सच एज कोकल बर हैव स्पाइंस और हुक्स, सम सीड्स सच एज कोकल बर हैव स्पाइंस और हुक्स। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें कि नुकीले नुकीले से वो होते हैं, ऊपर से निकले होते हैं उसमें बीजों में, या फिर चिड़िया वगैरह जो होती हैं उनकी चोंच में होते हैं वो दबा कर ले जाती हैं, तो उनकी गलती से गिर जाता है कहीं पे बीज, तो एक तरीके से एक वो हो गया इसका डिस्पर्सन। दीज सीड्स स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड आर दस कैरीड अवे फ्रॉम वन वन फ्रॉम द मदर प्लांट, तो ये बीज क्या होते हैं ये पेड़ों में से निकाल के चिड़िया वगैरह पक्षी जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, एक जगह मदर प्लांट में से दूसरी जगह जब ले जा रहे होते हैं गलती से, मान लो वो बीज गिर गया तो वहीं पे वो उग जाता है उसका पौधा। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, बहुत सारे बर्ड्स पक्षी और एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स के फूड खाते हैं। अनडाइजेस्टेड सीड ऑफ दीज फ्रूट्स पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इंटैक्ट एंड आर डिस्पर्स टू अदर एरियाज, और जब वो फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें से बीज जो होते हैं उनके वो बीज भी खा जाते हैं साथ में, वो ये थोड़े ना देखते हैं कि हम इंसान हैं हम बीज निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन जानवर ये नहीं देखते हैं, वो बीज भी खा जाते हैं, और बीज खाने के बाद उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, तो वो गोबर के थ्रू तो बाहर निकलते हैं जब, तो जब जहाँ पे वो डाला जाता है तो इस तरीके से डिस्पैरेज्ड हो जाता है वो फूड, उसका बीज फैल जाता है और पेड़ उगते हैं उससे। डिस्पैरेज्ड बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे डिस्पैरेज्ड होता है। द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पीज एंड बीन्स बस्ट ओपन व्हेन दे आर राइप, स्कैटर द सीड्स इन ऑल डायरेक्शन, दिस मेथड ऑफ डिस्पैरेज्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। फूड ऑफ सम प्लांट्स सच एज पीज एंड बीन्स, जैसे मटर की भी मटर होता है, मटर जब सूख जाती है पूरी तो वो क्या होता है उसके बीज अपने आप को वो अपने आप फूल जाते हैं, या फिर बीन्स होते हैं कुछ जैसे दाल वगैरह के, दाल वगैरह होती है तो वो अपने आप खुल जाते हैं, तो उसके बीज जो होते हैं वो अपने आप फैल जाते हैं आसपास में, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं, तो इस मेथड को कहा जाता है एक्सप्लोजन। इसके थ्रू भी प्लांट उग जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसमें करना है आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है इसका, बीन सीड का स्ट्रक्चर बनाना है, जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड ये इसका बनाना है, ये दो पिक्चर्स इसमें ड्रॉ करनी है।